रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का मतलब है याद दिलाने वाले विज्ञापन। देखो, जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, स्टार्टिंग के टाइम पर तो वो एडवर्टाइजमेंट करती ही है ताकि उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स खरीद लें। ठीक है, जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उस कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला, हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड को फेमस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए उस वक्त तो एडवर्टाइजमेंट करते ही हैं। पर एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा होता है, तब वो स्टेज होती है मेच्योरिटी की स्टेज, मतलब परिपक्व अवस्था। उस वक्त हमको एडवर्टाइजमेंट करने की रियलिटी में जरूरत नहीं होती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो प्रोडक्ट बंद होने वाला होता है, लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। ऐसा लगा लीजिए कि हमने प्रोडक्ट निकाला, अब प्रोडक्ट इस लेवल पे गया, अब प्रोडक्ट का ये लेवल आने वाला है। तो इस लेवल पे और इस लेवल पे जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। मतलब स्टार्टिंग में तो जब आपने प्रोडक्ट निकाला तब तो एडवर्टाइजमेंट की ही थी, अब प्रोडक्ट क्या हुआ, मेच्योरिटी स्टेज पर है, या प्रोडक्ट लगा लो कि डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा या कम बिक रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उस वक्त भी एक एडवर्टाइजमेंट करवा देती है, मेच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की मेच्योरिटी या डिक्लाइन स्टेज के अंदर कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। ये स्टेज वो स्टेज होती है जब आपका प्रोडक्ट काफी हायर लेवल में या तो बिक रहा होता है या बहुत कम बिक रहा होता है। कुछ लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट को निकाले हुए, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, 5 साल हो गए उसको, आपने स्टार्टिंग में 1 साल तो बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट निकाली, प्रोडक्ट आपका पॉपुलर हो गया, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए, तो क्या लगता है कि आम लोगों को, बाकी के लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी, या जो कस्टमर्स जिन्होंने स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट देखी थी या जो कस्टमर जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया था, क्या उनके ब्रेन पर, उनके दिमाग पर आज भी क्या आपका ब्रांड नेम, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का नेम, आपका प्रोडक्ट की छाप, इमेज आज भी उनके ब्रेन के ऊपर होगी? होगी तो भी बहुत कम। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज में या मेच्योरिटी स्टेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट, ताकि प्रोडक्ट की, ब्रांड की इमेज को, उसके प्रोडक्ट के नेम को, प्रोडक्ट की क्वालिटीज को हम कस्टमर को बार बार याद दिला सकें। हम ये एडवर्टाइजमेंट करते क्यों हैं, प्रेजेंट कस्टमर्स को प्रोडक्ट की याद दिलाने के लिए, और फ्यूचर के कस्टमर जो हमारे पोटेंशियल इच्छित कस्टमर होंगे उनके सामने भी हम ब्रांड को या प्रोडक्ट को बार बार याद दिलाना चाहते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट को वो खरीदें, हमारे कंपनी की सेल इंक्रीज हो जाए। हम ये एडवर्टाइजमेंट करते क्यों हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर कस्टमर्स के लिए, ताकि उनके सामने प्रोडक्ट बार बार आए, उनके सामने उस प्रोडक्ट की याद उनको आए। क्या होगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के अंदर, प्लस प्रोडक्ट की हमने क्या क्या स्कीम्स स्टार्टिंग में निकाली थी या अब प्रेजेंट में क्या स्कीम चल रही है, हम प्रोडक्ट किस कंडीशंस पे बेच रहे हैं, उसके साथ साथ क्या क्या क्वालिटीज इंप्रूव हुई हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या नया एडिशन हुआ है, हम वो सारी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं प्रेजेंट कस्टमर्स को और फ्यूचर वाले कस्टमर्स को। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज करती कब है, ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज करती है ऑफ सीजन के अंदर। मान लीजिए एक एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी, एक एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी गर्मियों में तो क्या करती होगी, एडवर्टाइजमेंट करती ही होगी, पर जब वही एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी अगर ऑफ सीजन में भी अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो मतलब वो एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट है। इसी प्रकार काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, सीजन में बिकने वाले होते हैं, पर कंपनीज फिर भी क्या करती हैं, ऑफ सीजन में भी उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देती है। तो इसलिए हम उन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। कंपनी का टारगेट क्या होता है, कंपनी का टारगेट ये होता है कि हमारी पूरी साल सेल होती रही, हमारा प्रोडक्ट बिकता रहे और कस्टमर्स के सामने भी वो प्रोडक्ट बार बार आता रहे, उनके ब्रेन पर, उनके दिमाग पर उस प्रोडक्ट के या ब्रांड नेम को हम फेमस कर सकें।
सिंपल सी बात, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड नेम के बारे में कस्टमर्स को हम बार बार याद दिलाना चाहते हैं। वो कस्टमर प्रेजेंट वाले भी हो सकते हैं, हमारे फ्यूचर वाले कस्टमर्स भी हो सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली ऑफ सीजन के अंदर ज्यादा की जाती है, या आप कह लीजिए कि एक प्रोडक्ट की मेच्योरिटी या डिक्लाइन स्टेज के अंदर ज्यादा की जाती है। टारगेट क्या रहता है, पूरा साल हमारे प्रोडक्ट की सेल होती रहे। हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, प्लस प्रोडक्ट के अंदर क्या स्कीम्स चल रही हैं, प्रोडक्ट के साथ क्या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, या प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज इंप्रूव की है, वो सारी बातें भी कस्टमर तक बहुत इजी पहुंच जाती हैं।